हेलो बच्चों, चलते हैं आज हम आप लोग को पुनः, जो कि कल हम लोग, जैसे कि आप लोग देखें कि 7.1 जो कि निर्देशांक ज्यामिति के कुछ अनुप्रयोग को हमने किया और आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। तो आज हम पुनः आप लोग के बीच जो कि 7.1 का जो भी उदाहरण आप लोग ने देखा उसी के हिसाब से अब आपको प्रश्नावली में आना, प्रश्नावली में किस प्रकार से प्रश्न दिए गए हैं इनको एक एक करके हमको समझना है और सरल करते हुए निकलना है। तो चलते हैं बच्चे, आप लोगों को अपने प्रत्येक प्रश्नावली को बारीकी से हम लोग समझते हैं। मिटाने वाला लाइन लिया है तुम लोग, बहुत अच्छा है। तो चलते हैं हम लोग आगे की ओर, ठीक है। तो आज देखिए प्रश्नावली के अनुसार अगर बात करें तो पहला प्रश्न क्या कह रहा, पहला प्रश्न क्या कह रहा इसको देखिए, एकदम सुस्पष्ट से हमको लिख करके ही दे दिया है कि इसका दूरी ज्ञात करो। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं के युग्म का युग्म के बीच की दूरी पता कीजिए। दो युग्म, युग्म मतलब होता है जोड़ा, जोड़ा दिया गया है। कह रहा है कि निम्न बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात। तो सबसे पहले आपको जो एक नंबर में सवाल है वह देखिए, एक नंबर रोमन में दिया गया है, क्या दिया है, 2.3, ठीक है, कोमा है और फिर कह रहा है 4.1। इस प्रकार से दूसरा क्या है देखिए, तो -5.7 कोमा -1.3। उसके बाद तीसरा देखिए क्या है, 1.b। उसके बाद है नो, चलिए पहले एक नंबर हम लोग बहुत बारीकी से आराम आराम तरीके से, जो आप सरल शब्द और सरल भाषाओं के साथ आप इसको पहले समझिए, ठीक है। बनाना और समझना जो है ना मायने है, आपको किस तरह से आपको समझना है उसको पहले आप देखिए, समझ जाइएगा ना। तो कोनो भी सवाल इस तरह का आएगा तो आप क्या कर दीजिएगा, देखिए एक बात कहते हैं कि आपको एक दिन में एकटा ही सवाल सीखिए, लेकिन ऐसा सीखिए कि इस तरह से सवाल कितनों भी आए हमसे पहले कोई नहीं, ऐसा हम लोग को सीख लेना, ठीक है। तो हम लोग को आपको, आप लोगों को इस तरह से, इस तरह के सवाल को दिए हुए और इनके बीच की दूरी पूछ रहा है, और इनके बीच की दूरी और इनके बीच के दूरी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, दूरी, क्या पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है। तो दूरी युग्म के बीच की दूरियां, तो युग्म मतलब जोड़ा है, इन दोनों जोड़ाओं के बीच के दूरियां। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, देखिए जैसे आप लोग यहाँ देख रहे हैं ए है और ये क्या है बी, तो ए के लिए ये दिया होगा 2.3, बोलते जाइएगा ये, ओके। अब आप यहाँ पुनः क्या लिखते हैं, ए का निर्देशांक, क्या लिखते हैं, ए का निर्देशांक, क्या है भाई ए का निर्देशांक, 2.3। और फिर किसका, बी का निर्देशांक, क्या है सर, दिया है, चलिए अब आपको ए से लेकर के बी तक का क्या निकालना है, दूरी, क्या निकालना है दूरी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सबसे पहले x1 x2 निकालेंगे कि नहीं, उसके बाद y1 y2 निकाल ली, ओके okay? आप इसका मान बताइए कितना कितना है, इसका एक साथ बोलिए समझ में आएगा। और y1 का वैल्यू क्या है, y2 का वैल्यू, ओके आगे चलते हैं। अब किसका दूरी है सर, AB की दूरी, क्या लिखेंगे, AB की दूरी बराबर, तो दूरी बराबर हम लोग ऐसे भी जानते थे x2 घटा x1 प्लस y2 माइनस, कोई तकलीफ, चलिए मैंने रूट डाला, उसके बाद मैंने सूत्र के अनुसार इसको बैठा डाला, 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस
वाई टू का वैल्यू क्या है सर? 1 माइनस 3 इसका भी क्या करा? चलिए सर, अब आपने क्या देखा? आपने देखा यहाँ पे 2 का स्क्वायर, इसमें लेस हो गया तो 2 होगा, इसमें क्या होगा? -2 का स्क्वायर। फिर देखिए सर कितना हो गया, 4 प्लस 4। देखिए सर यह सर कैसे हुआ, बच्चा कंफ्यूज करता है, तो -2 गुना -2 का मतलब इस पर डबल वा, इसको डबल वा, तो -2 गुना -2 प्लस और 2 दूने 4। देखिए लिखे है ना, यही तकलीफ नहीं होना चाहिए, नहीं तो छोटा छोटा तकलीफ भौकंदर में बदल जाता है। देखिए सर कितना हो गया, आप इसका सरल करते हैं कितना लिखिएगा, 8 रूट। अब 8 का खंडन एक दिन बताए थे ना, क्या बताए थे? देखिए सर 2 गुना 2 अगुना 2, तो एक जोड़ा लग गया तो 12 और बाकी जो बचा, तो आप इसको क्या लिखिएगा, जानते हैं ना, 2 रूट 2 इकाई। समझ आया? देखिए सर 1 नंबर क्या हो गया मेरा, क्या हो गया तकलीफ? इसी तरह सेम टू सेम आपका क्या है, 2 नंबर भी है, बना लेंगे ना, बना लेंगे। तीसरा हम बता देते सिर्फ, क्योंकि हमारे अंक से थोड़ा सा भिन्न, अंक से थोड़ा सा भिन्न, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं, और ये अंक वाला है तो आप बना लीजिएगा, बना लेंगे अच्छे से, कहीं तकलीफ है? बोलिए ना सही से, हो जाएगा, बना लेंगे, आगे चले। चलिए सर तीसरा नंबर हम कमांड करते हैं, तीसरा नंबर में देखिए क्या है सर, पुनः इसी तरह का एक लिए लिए, इसका नाम P रख लिए, इसका नाम Q, तो P का निर्देशांक क्या मान ले, A, B, दूसरे का A, B, कोई तकलीफ नहीं सर। चलिए सर पुनः यहाँ लिखेंगे P के या P का निर्देशांक, क्या क्या दिया है भाई, A, B, फिर किसका निर्देशांक, क्यू का निर्देशांक क्या है, हो गया। अब आप इसको क्या लिखेंगे, X1 और X2 Y1 Y2 लिखेंगे कि नहीं, क्या क्या लिखेंगे बोलिए, X1 का वैल्यू A, X2 का वैल्यू -A, Y1 का वैल्यू -B। सीधा सीधे अब आप क्या लिखेंगे, किसका दूरी है भाई, क्या लिखेंगे, PQ की दूरी बराबर जो सूत्र आप जानते हैं, रूट X2 घटा का Y1 का। चलिए सर आराम से हम लोग सरल करेंगे, क्या है माइनस ए में ए घटेगा, यही है ना, Y2 में क्या सर, बी घटेगा, यही है ना। अब देखिए 2 को ए है, नहीं समझा आप? अच्छा कभी कभी बच्चा कंफ्यूज करता है, क्या जानते हैं, जोर तो देता है, क्या कर देता है, जोर देता है, लेकिन माइनस का माइनस का चिन्ह नहीं देता है। लेकिन कैसे सर, हमको यही कंफ्यूज होता है, ये क्यों होता है सर, इस चीज को हमारी बारीकी से, और कदापि गलती नहीं होने देगा, ठीक है। मान लिया कि कोई एक लड़का अपने दोस्त से कहता है कि दोस्त 2 रुपया दो ना हमको, ओके, तो उसको 2 रुपया दे दिया, अरे क्या दिया, 2 रुपया दे दिया ना, और उस दोस्त का काम नहीं हुआ, 2 रुपया उसका दोस्त का काम नहीं हुआ, तो वह पुनः अपने दोस्त से क्या कहता है, फिर 2 रुपया दो ना, फिर 2 रुपया ले लिया, अरे लिया ना, दोस्त कितना लिया, 4 रुपया, तो 2 और 2 कितना हुआ उसका, 4। अब अपने दोस्त को कितना देना पड़ेगा उसको, 4 रुपया। समझ में आया, रीनी रीनी और रीनी, चारों उसका रीनी हो गया, 2 लिया पुनः 2 लिया, तो 4 ना हो गया, तो 4 उसका रिनियन हो गया, बस यहाँ वही समझना, समझ में आ रहा है इस चीज को, इसी के कारण उसको अच्छे से हम लोग समझना होता। और हम एक बात पहले भी बोले हैं कि मैथ सबसे इजी है, बस सबसे समझ लोगे ना, सबसे इजी है, उसको अपने माइंड से समझना, ठीक है, एकदम अपना अपना लगाइए दिमाग, उसके बाद सबसे आसान मैथ हो जाए, और है भी आसान, देखिए कैसे,
हमने बोला एक ए लिया नहीं कम हुआ, उन्होंने फिर एक ए ले लिया, तो कब ए ले लिया? दो। तो दो ए ले लिया, और दोनों तो उसको क्या है? ऋणियन है। हाँ, हमने यहाँ लिखेंगे माइनस टू ए, फिर उसी तरह है तकलीफ। अब थोड़ा सा क्या है भाई, इसका स्क्वायर किया तो सबसे पहले ये माइनस गुना माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और दो दूने एक का या क्या लिखेंगे चार एक का, फिर इसका करेगा तो चार बी, कई तकलीफ नहीं है। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग दोनों में चार देख रहे हैं, चार कॉमन लेंगे ए स्क्वायर इधर क्या हो गया, तो आप चार का वर्गमूल निकाल पाते हैं कि नहीं? अरे चार का वर्गमूल कितना है? दो। हम लोग क्या लिखते हैं? टू। अब अंदर में क्या बच गया? यही दोनों से ए स्क्वायर और इधर लेकिन यहाँ इकाही लिख दीजिएगा, ठीक है? क्या लिख देंगे? इकाही। उसके बाद एम कर लीजिए। तकलीफ है? नहीं सर। तकलीफ है कहीं? नहीं सर। एक बार आप फिर से देख लीजिए, खाली खाली देखना, अच्छे से देख लीजिएगा ना, तो फिर कहीं दिक्कतें नहीं। जिसमें इसमें देखें, कल भी आपने देखे थे, आज भी आपने इस चीज को देखा, इस चैप्टर भर देखते रहेंगे यही वाला चीज का नहीं होगा, खाली यही वाला चीज, खाली दूरी का प्रयोग, खाली दूरी का प्रयोग, खाली कॉन्सेप्ट लगाइए, दिमाग लगाइए, सरल करते जाइए, आराम से बना लीजिए, सब सवाल आराम से ही बनेगा, ठीक है? तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसी तरह मेरा पूरा सवाल बनेगा, आज इजी इजी है ही, ठीक है? क्योंकि आज हम लोग चैप्टर में देखते हैं। चलिए आज हम लोग अपने 7.1 का पहला क्वेश्चन खत्म। अब हम लोग किस में चलेंगे? दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखिए, दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है फिर देखिए वही उसी तरह का सवाल, क्या कह रहा है कि बिंदुओं 0.0 और 36.15 के बीच की दूरी ज्ञात की। पहले देखिए ये क्या है, ए मान ली, और ये क्या है, इसका नाम रखा 0.0 और दूसरा क्या नाम रखा, 36.15। आपको कुछ याद आ गया? क्या आ गया? कुछ याद आ गया। क्या याद आ गया? कि 0.0 किसका है? मूल बिंदु का निर्देशांक। किसका है? मूल बिंदु का निर्देशांक। अगर मूल बिंदु का निर्देशांक हो जाए तो इसको सबसे आसान, मूल बिंदु से किसी भी चीज का दूरी निकालना सबसे आसान। कैसे सर? क्योंकि आज आपको बता ही देते हैं कि कैसे आसान, कैसे आसान, उसी को आप पहले समझ जाइए तब सवाल बनाइए। तो मान लिया जाए कि एक का निर्देशांक 0.0 है और दूसरा का निर्देशांक x और y, कोई दिक्कत? अब आप सोच लीजिए, ये मूल बिंदु का निर्देशांक और ये कोई बिंदु a है, और मूल बिंदु बताएं कि कल सर कि कहाँ है मूल बिंदु, ये है, यहाँ से किसी का अगर दूरी निकालना है तो यहाँ क्या होगा x और यहाँ क्या होगा y, और इसका क्या है 0 और 0। समझ आ रहा है मेरा बात? अब देखिए थोड़ा सा कितना आसान, तो ये इसको क्या कहते हैं x1 और इसको क्या कहेंगे y1 और इसको क्या कहेंगे x2 और इसको क्या कहेंगे y2। दिक्कत? अब इसका दूरी ज्ञात करके देखिए, तो OA का स्क्वायर बराबर आप क्या लिखेंगे x2 घटा x1 का स्क्वायर कहेंगे और y2 घटा y1 का स्क्वायर लिखेंगे। अब देखिए इस जगह क्या है, इसका वैल्यू क्या है, x है, अरे है कि नहीं, x माइनस x1 का वैल्यू क्या है, इसका क्या कर रहे हैं, दूसरा को देखिए तो y है, इसमें क्या कर रहा है, स्क्वायर है। अब आप क्या कहेंगे देखिए, तो x का स्क्वायर, इधर भी y का स्क्वायर कहेंगे। अब देखिए x स्क्वायर प्लस ये किसका स्क्वायर बराबर है,
अर्थात ओ ए का दूरी बराबर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस इतना दूरी। इससे हमको क्या सिद्ध पता चला, अगर मूल बिंदु से अगर किसी का दूरी निकालना हो सिर्फ इस पर बैठा देंगे तो मूल बिंदु के बराबर में निकल जाएगा कि नहीं। तो देखिए एक एक जीरो जीरो है तो इसका कौन सा सूत्र पर बैठेगा, ये सूत्र पर। तो हम इसको सट से एकदम बैठाइए देंगे ना फटाफट। पहले लिखेंगे क्या दिया हुआ है हमको, है दिया है, क्या दिया है भाई, दिया क्या है, ए का निर्देशांक, ए का निर्देशांक जीरो और पुनः बी का निर्देशांक क्या है, 36.15। अब आप उनको देख लिए कि एक्स वन और वाई वन सीधा सा बात, एक्स वन और एक्स टू नहीं, वाई वन वाई टू जब हमने क्लियर किया ये जीरो हो रहा था, ये 36 हो रहा था, ये जीरो हो रहा था और ये 15 हो रहा था। यहाँ किसी तरह का तकलीफ नहीं है, जब नहीं है तो अपन को यहाँ इस एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने देखा कि सीधा कुछ नहीं करना, यदि मूल बिंदु से है वह दूरी तो हमने क्या देखा कि अगर ए बी का दूरी है तो यहाँ डायरेक्ट लिखना है कि ए बी का, ए बी की दूरी बराबर सीधा सा हमको लिखना है एक्स का स्क्वायर प्लस आपको एक्स वन एक्स टू वाई वन का, इसका कोई वैल्यू ही मेरा काम नहीं करेगी, डायरेक्ट हम इसको क्या मान लेंगे अब एक्स वन और इसको क्या मान लेंगे सीधा एक्स और दूसरा क्या है इसका कोई मान ही नहीं है क्योंकि यह मूल बिंदु से। तो जब मूल बिंदु से है तो इसका दूरी बराबर में आपको कितना आसान हुआ, देखिए तो 36 का क्या कर दीजिए और इधर से 15 का क्या कर दीजिए। तो देखिए सर 36 × 36 1296 और 15 × 15 225। जब इसको सरल करते हैं कितना हो गया, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 15 × 21 और इसका वर्गमूल कितना हो गया 39। समझा मेरा बात, 6, 5, 11, 9, 2, 11, 12, 2, 4, 1, 5, 1 अर्थात 39 × 39 1521। ये तो सबको याद है इसलिए डायरेक्ट हमने लिख दिया। समझ में आया क्या कहानी झोल, अच्छे से समझ पाए होंगे, कहीं भी किसी तरह का दिक्कत नहीं है। ये आपका क्या नंबर का सॉल्यूशन हुआ, दो नंबर आराम आराम से मैंने क्या किया सरल कर पाया, एक एग्जाम्पल मैंने समझा और इसी एग्जाम्पल से मेरा सवाल भी क्या हो गया सरल हो गया, किसी तरह का कोई तकलीफ नहीं, आपका दो नंबर भी क्या हो गया yeah. बना लेंगे yes, आराम से yes, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं। चलिए सर तब अब हम लोग तीन नंबर की ओर चलेंगे। तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर में कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु जो दिया गया है क्या एक संरेखीय है, क्या एक ही रेखा में ये सब बैठा हुआ है, ये हमको बताना है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग अगले वीडियो में मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि जो तीन ए बी सी करके एक तीन लड़की थी, अरे तीन लड़की थी ना, उसमें हमने क्या देखा कि वह तीनों लड़की क्या संरेखी में बैठा था, बैठी थी, तो बैठी थी। तो उसी तरह हम लोग को आज हम लोग एग्जाम्पल में दिया गया, एग्जाम्पल में दिया गया था, अब हम लोग को क्वेश्चन में भी दे दिया, क्या दे दिया क्वेश्चन में भी। तो देखिए कैसे कैसे आपको ऐसे करके तीन बिंदु दिया हुआ, एक ए एक बी और एक सी, ऐसे करके दिया गया। तो ए का कितना है 1, दूसरा बोलिए 2, तीसरा माइनस तकलीफ। ये अपन से पूछा है कि क्या बताइए ये संरेखीय है या नहीं। अब देखिए ए का बी का और ये सी के लिए तैयार है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसको हम रेखा पर भी दर्शाइए, देखो ए है बी है और इसको हम सी कर दिए। अगर यहाँ 1.5 और इसको 2.a और इसको ठीक है
तो हम लोग किस में आएंगे भाई, कहाँ से आएंगे वो देखिए। यहाँ कह रहा है कि सबसे पहले जिस प्रकार से हमको पूछा गया था ये संरेखीय है या नहीं, तो उस प्रकार जैसे उदाहरण में दिया था नहीं, तो हमने क्या किया सबसे पहले एबीसीडी को दर्शा दिया। तो दर्शाने के लिए उसके बाद हमको ए बी की क्या निकालना होगी दूरी, उसके बाद बी सी की क्या निकालनी होगी दूरी, उसके बाद फिर ए सी का भी निकालना होगा दूरी। तो हमने यहाँ लिखा ए बी के लिए, तो यहाँ क्या होगा पुनः ए का निर्देशांक, ए का निर्देशांक क्या क्या दिया है भाई ए कोमा, फिर बी का कर लीजिएगा ये सब निर्देशांक, ठीक है। तो क्या दिया है टू कोमा, उसके बाद ये हो गया, फिर यहां से एक्स वन एक्स टू वाई वन वाई टू, क्लियर। आप इसका क्या निकालिएगा इसे एक दो और इधर से पांच और तीन, फिर आप यहां लिखिएगा ए बी का स्क्वायर बराबर एक्स टू घटा, आप ही लोग बोलिए भाई तकलीफ चले आगे बोलते टू ओके। अब पूरा इसका किसका निकालेगा बी सी के लिए, जब बी सी के लिए निकालते हैं तब आप क्या करेंगे फिर बी का बी का निर्देशांक कितना है टू कॉमा थ्री, फिर क्या है भाई सी का निर्देशांक माइनस टू कॉमा क्या है माइनस टू कॉमा माइनस ग्यारह है ना, फिर यहाँ से क्या लिखेंगे एक्स वन एक्स टू वाई 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 वाई, बोलिए कितना कितना है टू और माइनस इसका कितना है, अब क्या लिखेंगे बी सी का स्क्वायर ठीक है। देखिए सर अब क्या है क्या लिखेंगे माइनस टू और माइनस ठीक है, और उसके बाद देखिए तो माइनस ग्यारह माइनस इसका क्या करना है अब बताइए आगे, इसके बाद तैतीस होगा, फिर क्या हुआ देखिए बोलते जाइए एक सौ चौवालीस, चौदह गुना चौदह एक सौ चौवालीस होता है छः छः बारह, बाकी उत्तर एक नौ एक दस और एक बाकी वचन दो और एक एक ना दो ठीक है। ये कितना दूरी है बी सी का स्क्वायर बराबर दो सौ तकलीफ, इसी तरह पुनः किसका निकाल लेंगे ए सी के लिए नहीं रे। अब देखिए फिर हम क्या लिखेंगे का निर्देशांक कितना है बी का क्या है अब सी का कितना है यही है ना, चले तब आगे तो यहाँ क्या लिखिएगा यहाँ क्या लिखिएगा यहाँ क्या लिखिएगा यहाँ क्या लिखिएगा, चलिए सर अब इसका वैल्यू बताइए वन इसका इसका हो गया। अब आप क्या लिखते हैं एक्स टू घटा उसके बाद ठीक है,
अब देखिए सर, AC का स्क्वायर बराबर ठीक है, क्या हो गया देखिए भाई, और 16 का ठीक है कितना हुआ, और इधर 256 से आप दोनों को जोड़ दिए कितना हो गया, 66 65 ऐसे हुआ रे हो गया। अब हम तो जान रहे हैं, क्या जान रहे हैं भाई, हम तो जान रहे हैं संरेखीय होने के लिए क्या था कि AC का स्क्वायर जो था वह AB का स्क्वायर जो था प्लस BC के स्क्वायर के बराबर था। तो इसका जो वैल्यू हुआ कितना, 200 बराबर AB का कितना 5 और 200 अब देखिए 265 बराबर नहीं है 217 है क्या, अतः यह संरेखीय नहीं है। समझ में आ गया हाँ सही में, अगर आ गया तो आ ही गया ठीक है। चलो देख लीजिए एक बार, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा ठीक है। चले आगे, कितना हो गया क्लियर, तीन हो गया सर। आज लग रहा है कि चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए, नहीं देखते हैं कहाँ तक होता है, देखो कहाँ तक होता है क्या रे? अच्छा अच्छा ये पुनः जांच दे दिया ना, देखिए कहां से जांच करवा रहा है, कहां से चलेगा इसका रे, त्रिभुज से ना, देखिए क्या है 5 - 2 और क्या है 6, और क्या है 7, ये हमसे पूछ रहा है क्या एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, तो समबाहु त्रिभुज के शीर्ष होने के लिए तो समबाहु त्रिभुज पहले जानना होगा कि है कि नहीं है, तो समबाहु त्रिभुज कैसे होंगे, जिस त्रिभुज का दो भुजा आपस में बराबर उसी को ना कहेंगे, तो क्या इसकी दो पहले भुजा बराबर है, वो हम लोग को पता लगाना है, तो पहले पता लगा लेंगे क्या इस त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर है, अगर बराबर हो गया तो हम कह देंगे, कहने में क्या लगा, अगर है तो कहेंगे, नहीं कहेंगे कह देंगे। तो चलते हैं आगे क्या है, तो हम इसको नामांकन कर देते हैं A B C, तो पुनः उसी प्रकार क्या करेंगे, आराम से आप लोग क्या कर दीजिएगा, इसका यहां लिख दीजिएगा दिया है, क्या दे देंगे दिया है, तो क्या दिया हुआ है, A का निर्देशांक कितना है 5, -2 और सी का बी का ना बी का निर्देशांक और सी का निर्देशांक हो गया ये आपको पूरा लिखना ही है ठीक है, हम सिर्फ बोल देते हैं आप लोग लिख लीजिए ठीक है, बिना लिखे आप नहीं कीजिएगा नहीं तो क्रॉस कर देगा, रेलगाड़ी देखे हैं आप लोग, रेलगाड़ी देखे हैं ना, पीछे में बाय बाय लिखा है, अच्छा बाय बाय नहीं लिखा है, क्रॉस कर दिया, उसी तरह तुमने कॉपी में दिखेगा। चलिए हाँ एग्जाम देखिए,
तो अब आपको क्या चाहिए? ए बी चाहिए, पहले बी सी चाहिए, ए सी चाहिए। तो हम लोग करते चलते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे पहले? ए बी के लिए लिख करके एक्स वन एक्स टू और वाई वन वाई टू। तो फटाफट चल जाएंगे भाई, पांच और छह और इधर से माइनस दो और चार, कोई दिक्कत? अब आप फटाक से क्या लिख दीजिएगा? ए बी का स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू घटा एक्स वन का स्क्वायर और प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। तो जैसे ही सरल करते हैं तो आपके पास क्या क्या आ गया? सिक्स माइनस फाइव, दूसरा फोर माइनस माइनस टू का हो गया रे। अब देखिए तो क्या हो गया, माइनस वन नहीं होगा, वन होगा। अब इधर से देखिए तो फोर और प्लस टू है ना, कितना होगा? वन का स्क्वायर और प्लस छः का कितना हो गया? वन और इधर से छत्तीस, तो टोटल कितना हो गया? सैंतीस। समझ रहे हैं ना? अर्थात ए बी का स्क्वायर बराबर कितना आया? अब आगे चल देते हैं, ये ए बी का निकाल लिए, इसका मान कितना आया? ए बी का स्क्वायर बराबर आ गया है सही। अब हम लोग किसका निकाल लेते हैं? बी सी के लिए, यहाँ लिख देंगे बी सी के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे भाई? बी का निर्देशांक, बी का निर्देशांक क्या है? छः और चार, और सी का निर्देशांक सात और माइनस दो, फिर एक्स वन एक्स टू वाई वन वाई टू। तकलीफ? तो भाई सटा देते इसको फटाफट, छः और सात, चार और माइनस दो, तो बी सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि नहीं? देखिए तो है, बी सी का स्क्वायर इक्वल टू सात माइनस छ और फिर माइनस दो और माइनस। अब देखिए बी सी का स्क्वायर बराबर कितना हो गया? वन का और दूसरा माइनस टू, छ हो गया। देखना रे, वन हो गया इधर स्क्वायर करने के बाद और छत्तीस हो गया इधर। अरे ये तो लग गया रे, वन और प्लस छत्तीस, अब बी सी का मान भी आ गया। देखो रे, हो गया नो, देख रहे नो, समझ रहा है ना? तो किसके लिए? एसी के लिए। एसी के लिए हरदम एसी मंगवा रहा है, क्या बात है रे तुम लोग? बात है कि सबको एसी चाहिए, नहीं रे, हर वक्त एसी एसी आ रहा है, मतलब उस समय एको कोई लेक चला गया होगा इसलिए दूसरों में एसी आ गया, फिर दूसरे को दे रहा है, जिसको एसी आ रहा ले रहा है। देखिए अब ए का निर्देशांक, फिर सी का निर्देशांक, ए का क्या है भाई? फाइव और माइनस टू, सी का क्या है? सेवन माइनस टू, ठीक है। yes, अब आप क्या लिखेंगे? एक्स वन एक्स टू वाई वन वाई टू, ठीक है। क्या क्या है इसमें? ठीक है। yes, अब क्या लिखेंगे? yes, बोलते जाइए आप लोग। बोलिए है ना? फिर देखिए क्या है? क्या हो गया? क्या होगा रे? चालीस हो जाएगा? नहीं रे। अब आपने क्या देखा? ऐसे नहीं पूरा डरिया हो गया, बात है कि मगन है, अब सब कुछ ले नहीं पाएगा। समझ में आ गया? अब अपन ने क्या लिखेगा यहाँ? क्या लिखेंगे?
फिलहाल नहीं लिखेंगे, ऊपर में लिखेंगे। यहाँ नीचे में लिखेगा कि अतः इस त्रिभुज में क्या क्या बराबर आया? ए बी बराबर बी सी आया, और नहीं है ए सी। अतः त्रिभुज ए बी सी एक सम द्वि बाहु त्रिभुज। समझ में आया? देख देंगे, बढ़ जाएंगे, चलेंगे, देख लीजिए पहले, ठीक है? कोई तकलीफ नहीं सर। एक और सवाल बताएंगे आपको, उसके बाद आपका कॉपी चेक होगा, तब हम आपको रोक कर रखेंगे, ठीक है? और उसमें जितना भी तकलीफ है, दोबारा वाला क्वेश्चन को हम अच्छे से आपको समझाएंगे, ठीक? तो आप सबसे पहले इसका एक आप लोग देख लीजिए, ठीक है? चलते हैं आगे। यस सर। एक ठो और बता करके, इसमें जितना सारा क्वेश्चन है 5-6 ठो हो जाएगा, फिर इसको आप लोग बनाइएगा, नहीं तो फिर अधिक हो जाएगा, तो फिर अधिक टेंशन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, दबाव पड़ेगा। चलिए भाई, क्या नंबर क्वेश्चन है रे? 5। कितना है? 5। देखिए 5 नंबर में क्या है, कैसे है, क्या करना है, उसको देख लीजिए। अब एक आपको बता रहा है कि एक कक्षा में 4 मित्र है, नहीं जो कि एक पहले कक्ष तैयार करना होगा, तैयार कर लेते हैं हम लोग भी फटाफट कक्ष। 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इधर से ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ठीक है, 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ठीक है, पूरा था कि रे? ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा। आप लोग देख लिए होंगे, ठीक है? इसी तरह का कुछ दिया हुआ, 4 लड़की है, नहीं चारों दोस्त आपस में क्या है बैठी हुई और आपस में वार्तालाप करने के दरमियान ये बता रही है और बात कर रही है कि बताओ चंपा, चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोच रही हो कि ए बी सी डी करके जो हम लोग बैठे हैं क्या एक वर्ग आकार में बैठे हैं, मतलब आपस में क्या कर रहा है बैठ करके जो चारों है, बोला तुम कभी सोची हो कि हम लोग जो चारों बैठे हैं तो ऐसा लग रहा है कि एक वर्ग में बैठे, क्या आप बता सकते हैं कि किसका बात सही है, ये आपको बताना। तो बताने के लिए एक ही टा दिमाग है, ये हम बनाएंगे नहीं, ये तुम लोग पे ऊपर छोड़ेंगे, ठीक है? ये तुम लोग बना करके
हमको जरूर कमेंट में बताना कि चमेली का बात सही है था या चंपा का बात सही है। ठीक है, कमेंट में जरूर आप इसका सजेस्ट करेंगे और बताएंगे। ठीक है, हमने देखा कि आप इससे पहले वाली वीडियो में हमें बहुत प्यार दुलार दिए हैं, आपने बहुत अच्छा से देखे हैं, जिनके कारण हम अगली भी वीडियो को पुनः बनाएंगे। आप इस वीडियो को जरूर देखेंगे जिसके कारण आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। हम आपको सिर्फ समझा देते हैं, एक बार जरूर इसको बनाइएगा। ठीक है, पहले हम इसका कॉन्सेप्ट और इसका जो बेस है तैयार करके आपको दे देते हैं, आप इसको सरल करके देख लीजिए। ठीक है, तो हम तैयार करें। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, अपन को एक बात गौर देख लीजिए, पाई ए है, बी है, सी है और डी है ना। तो सबसे पहले एक एक करके सभी का निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो हमको क्या करना होगा, यहाँ पे ए का निर्देशांक, तो ए का निर्देशांक कितना होगा, पहले ये एक्स एक्स और दूसरा वाई एक्स, तो ए के लिए क्या होगा 3 और दूसरा वाई के लिए कितना होगा 4, तो कितना हो गया 3 और 4। फिर किसका एक लेगा, बी का बताइए, तो कितना हो जाएगा 6, तो बी का निर्देशांक कितना हो गया 6 और 4, और फिर सी का 9 और 4, 9 और 4, फिर डी का 6 का 1 होगा, बी कटेगा 6 और 2, 6 और 1, एक पे दिया है क्या, तो ये तब ना ऊपर लग रहा था कुछ यहाँ ने डी, अब लग रहा है कुछ नहीं, समान साइज, और यहाँ एक होगा तब एक हो जाएगा। अब आपको उनको बताना है, ऐसे भी आपको लग रहा है कि ये सच में लग रहा है कि क्या एक वर्ग है, लेकिन क्या कहा जाए, अंजादी क्या कहेंगे जब तक कि सरल नहीं है। ठीक है, तो इसको सरल करना, क्या करना है, सरल करना है। जैसे ही सरल करते हैं तो आपको इसके बारे में एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा कि किसका बात सही है। ठीक है, आराम से आपको समझते हुए आप इसको सरल करते हुए बनाएंगे। तो देखिए कैसे कैसे सर, तो आराम से कैसे, पहले आपको क्या पता लगाना है, ए से लेकर के बी तक के दूरी, बी से सी तक के दूरी, और सी से लेकर के और पुनः ए से लेकर के, अगर आपका दूरी पता चल गया और सभी आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, तो हम क्या कहेंगे, यह आपस में क्या है एक, और फलना का बात समझ में आ गया। ठीक है, आप इसको बना करके सही तरह से आप लाइएगा और अपने कमेंट में जरूर बताइएगा कि किसका बात सही है और एक भुजा का मान कितना है। ठीक है, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। SBN क्लासेस